हम बात कर रहे हैं कैस्ट्रॉल इंडिया की। आज के दिन की बात करें तो फिलहाल स्टॉक में हमको 2% तक की गिरावट के साथ स्टॉक जो है ट्रेड करता नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक 260.75 रुपीज़ पर फ़िलहाल हमको ट्रेड होता नज़र आ रहा है। 280 के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया, गिरावट आई तो देख सकते हैं हम 250 के लेवल पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। इससे पहले भी 250 के लेवल से ही हमको बड़ी बाइंग देखने के लिए मिली थी। अगेन आज के दिन में भी हमको स्टॉक ने उसी लेवल से बाइंग दिखाई है, उसी लेवल पर स्टॉक में हमको बायर्स एक्टिव नज़र आ रहे हैं। 270 तक का ऑलमोस्ट जंप आया, गिरावट आ रही है तो अब जहां स्टॉक ट्रेड कर रहा है इसका सपोर्ट लेवल है, देख सकते हैं 260 का लेवल जहां से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया था, ब्रेकआउट करके फिर बड़ी तेज़ी दिखाई थी। तो ये इमीडिएट सपोर्ट है जहाँ स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसी लेवल के ऊपर अब स्टॉक को सस्टेन होना है अपने इस हाई को ब्रेकआउट देने के लिए। गिरावट आती है, अगर रिजेक्शन ले जाता है तो नीचे की ओर 250 अब मेजर सपोर्ट रहेगा और इसके ब्रेकडाउन के बाद नेक्स्ट जो सपोर्ट का काम करेगा 240 का लेवल, जहाँ से देख सकते हैं हमको अगेन बड़ी बाइंग 240 के लेवल से स्टॉक ने दिखाई थी। तो आप अगर स्टॉक में जंप आता है 260 के लेवल से, स्टॉक रिकवरी दिखाता है तो देख सकते हैं कहाँ से रिजेक्शन लिया हुआ है, 275-276 का लेवल, इस लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो अगला टारगेट 70 और इस बाउंस बैक के साथ अगेन 280 तक का जंप स्टॉक दिखा सकता है। 280 जहाँ से स्टॉक ने ऑलरेडी 2-3 दफ़ा हमको रिजेक्शन दिखाया है, लेकिन अगर 280 के लेवल से इस दफ़ा बाउंस बैक के बाद अगर बड़ी सेलिंग नहीं आती, बड़ी गिरावट नहीं आती तो 280 के ब्रेकआउट के चांस बनेंगे। फिर वैसी कंडीशन में अगर 280 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो 290 से लेके फिर 300 तक का भी जंप कैस्ट्रॉल इंडिया दिखा सकता है, यहाँ तक के भी टारगेट फिर स्टॉक में देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।